दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कि अभ्यर्थी 2018 जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के जो कैंडिडेट हैं उन्हें दिवाली तक परिणाम जारी नहीं करेंगे तो आयोग के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग के डॉक्टर भूपेंद्र यावत से मांग की है कि दिवाली से पहले अंतिम परिणाम जारी किए जाएँ ताकि बेरोजगारों को नौकरी का तोहफा मिल सके। परिणाम जारी नहीं करने पर अभ्यर्थी आयोग के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती अभ्यर्थी का कहना है कि RPSC ने इस भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी अप्रैल 2018 में जारी की थी। लगभग डेढ़ वर्ष बाद जनवरी 2020 में परीक्षा हुई। आयोग ने इन सभी विषयों के प्रोविजनल परिणाम अगस्त 2020 में जारी कर दिए थे। प्रोविजनल सभी सूची में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन में काम भी काउंसलिंग 29 अक्टूबर तक पूरा कर लिया गया, इसलिए इस परीक्षा के सभी 20 विषयों के अंतिम परिणाम दीपावली से पूर्व जारी किए जाएं। अभ्यर्थी का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अक्टूबर 2020 की जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में 12,000 व्याख्याताओं के पद रिक्त है। इसके बावजूद भी आयोग ने अब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है दिवाली पहले अंतिम परिणाम जारी नहीं किया तो आयोग के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी हैं उनको इस चैनल से जोड़ें ताकि हम लोग जो हैं धरने की पूरी प्रक्रिया हम बना पाएँ। हाँ, हमको धरना देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जब वहाँ पहुँचेंगे तो RPSC को रिजल्ट जारी करना ही होगा। दोस्तों, आप लोग हमारी इस मुहिम में हमारा पूरा साथ दें, हमारा योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़कर अपडेट्स लेकर और अजमेर पहुँचने का जो हमारा आगे का प्रोग्राम रहेगा वो आप लोग हमारा पूरा साथ दें। दोस्तों, तो मैक्सिमम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है जल्दी से जल्दी व्याख्याता भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कराने के लिए हमारा पूर्ण सहयोग करें। मैं अपने सभी साथियों जो है महिपाल जी, सचिन जी, बिश्नोई जी, छोटू जी, गज्जू जी और ताराचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो है अंतिम परिणाम के लिए लगातार हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे इस मुहिम में हमारा योगदान दें, इस चैनल के द्वारा जुड़ के। धन्यवाद दोस्तों।